दोस्तों नमस्कार, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ये जो आप खूबसूरत वादियाँ आप देख रहे हैं, ये वादियाँ हैं चकराता, जो हमारे उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत जो जगह है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, और जौनपुर का जो क्षेत्र है वहाँ की खूबसूरत वादियाँ हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम महादेव के शरण में जालदा महाराज महासू देवता के शरण में हम लोग जा रहे हैं, उनके मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। और जो ये रास्ता है, जो ये खूबसूरत वादियाँ हैं, ये है मोहना, एक गांव है जहाँ पे इस वक्त चालदा महासू महाराज जो हैं उनकी पालकी इस वक्त मोहना गांव में स्थित है। और आइए आपको लिए चलते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत ये इस प्रकार के मकान आपको यहां पर पूरी वैली में, पूरी घाटी में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे आपको, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव, जय महासू महाराज। ये देखिए, ये ठीक सामने घाटी में जो आप देख रहे हैं, ये घाटी में जो गांव है, ये गांव है मोहना। मोहना गांव में आपको लिए चलते हैं, और जहां पे जालदा महाराज का बहुत ही दिव्य, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और इस वक्त जो जालदा महासू महाराज हैं वो मोहना गांव में स्थित हैं। तो आप सभी को सुप्रभात, हर हर महादेव, जय श्री शंकर। तो आपको मंदिर तक ही लिए चलेंगे, देखिए कितना खूबसूरत गांव, चारों तरफ खूबसूरत वादियों के बीच घाटी में बसा ये गांव मोहना गांव है, जो चकराता में स्थित है। चकराता से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गांव स्थित है। ये देखिए बहुत ही इतना खूबसूरत ये गांव है, और यहाँ पे बहुत ही भव्य दिव्य एक मंदिर है, जालदा महासू महाराज का मंदिर है। और मैं आपको एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा कि महाशिव भोले शंकर के जो मूल अवतार हैं जालदा महासू महाराज, उनकी दिव्य पालकी इस वक्त यहाँ पर मोहना गाँव में स्थित है। जालदा महासू चार महासुओं के सबसे प्रिय सर्वशक्ति संपन्न उनके अनुज हैं, और माना जाता है कि जालदा महाराज के पास चारों महासुओं की जो शक्तियां हैं और जो सेठकुलिया है उसका साथ है। तो अभी आगे आपको मंदिर तक लेकर जाने के बाद आपको विस्तृत वर्णन यहाँ का मैं करवाऊंगा। ये हम लोग गांव के बिल्कुल निकट पहुंच ही चुके हैं, मंदिर के बिल्कुल समीप हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप सभी लोग भी आप एक बार जरूर लिखें, जय हो जालदा महासू महाराज, जो कि जैसा कि मैंने बताया महाशिव के मूल अवतार हैं। ये देखिए बहुत ही दिव्य ये मंदिर यहां पर बना हुआ है, जालदा महासू महाराज का। कहा जाता है कि चारों जो भाई हैं महासू, चारों जो महासू हैं स्वयं शिव की चार दिव्य अखंड अलौकिक शक्तियां हैं। संध्याकालीन जो आरती होती है, जो पूजा होती है, उसमें ढोल बजते हैं, ढोल के साथ साथ पूजा अर्चना होती है। और ये गांव के बीच में स्थित ये मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मंदिर है। चकराता और जौनपुर बाबर का जो क्षेत्र है, ये हिमाचल से लगता हुआ क्षेत्र है, और उत्तराखंड और हिमाचल के जो आस्तिक लोग हैं वो जालदा महाराज को कृष्णा अवतार और रामावतार भी बोलते हैं। जब जब जालदा महाराज ने छल किए हैं, किसी को छलित किया है,
तब इन्हें छलिया कृष्ण का रूप भी माना गया है। तो कृष्णावतार और रामावतार भी चालदा महाराज महासु महाराज को माना गया है। और जो चारों महासु हैं इनके पास रामचरितमानस और कृष्ण महिमा रागों की भांति अलग अलग बोलियों में गाई जाती हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। आप सभी लोगों को और हमें भी स्वयं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंदिर में। और बहुत सारे जो अनभिज्ञ हैं जिनको इस मंदिर के विषय में या चालदा महाराज के विषय में ज्ञात नहीं होगा उनको मैं बताना चाहूँगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। और ये देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ से है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बताना चाह रहा था कि चालदा महाराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि चालदा महासु जो है हर समय चलते ही रहते हैं। इनके साथ नाना प्रकार की तामसिक सात्विक शक्तियाँ इनकी पालकी से पहले चलती हैं जो छलिया मायापति के पद को साफ करती हैं। चालदा महाराज का बाणा शुरू से ही राजा का है, इसी कारण चार महासों में इन्हें चालदा राज दिया है। जहाँ भी चालदा महाराज अपने छत्र के साथ वजीर शेठगुलिया लिए गए हैं उस क्षेत्र में चालदा महाराज ने पूर्ण राज किया है।